नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। संसद में जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और भाजपा में मंगलवार को तीखी बहस हुई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली। इस पर संसद में तीखी बहस हुई और हंगामा हो गया। अब कांग्रेस और भाजपा के बीच हुई इस बहस को सियासी रंग चढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने की बात कर रही है, बीजेपी की सोच का पता चल गया। राहुल गांधी अपने लिए नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए जनगणना की बात कर रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, ये नफरत और घृणा की नींव पर बनी हुई है। वो वर्ग जो जातिगत जनगणना की बात करता है, एसटीएससी ओबीसी का, वो देश के संसाधनों पर अपना हिस्सा मांगता है, हक मांगता है। जो गरीब अति गरीब है, अगर वो जातिगत जनगणना के अनुसार हिस्सेदारी मांगता है तो ये बीजेपी के लोगों को बुरा लगता है। राहुल गांधी जी वो बात उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा जातिगत जनगणना करवाना है, तो उनका व्यक्तिगत तो कोई लाभ है नहीं, पार्टी का भी कोई लाभ नहीं। देश में संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा तो कोई गुनाह कर रहे हैं? आदरणीय देशवासियों, अनुराग ठाकुर ने अपना जो वक्तव्य दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य है। ये बीजेपी की सोच है कि ये जातिगत जनगणना के विरोधी लोग हैं, ये एहसास कराया उन्होंने। मैं मानता हूँ, अनुराग ठाकुर जी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी की सोच को देश के सामने रखा। और जहाँ तक राहुल जी का प्रश्न है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति, लगातार अपनी बात कहते रहेंगे और लगातार जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराकर रहेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।